महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उन्हें अपने प्रेग्नेंट होने का पता उनके पीरियड्स आने से लगभग एक हफ्ते पहले ही लग जाता है। अगर वो इस दौरान अपने शरीर में आ रहे इन कुछ बदलावों को समझ लें तो। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और पीरियड मिस होने से लगभग एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको आपके शरीर में आपके पीरियड मिस होने से पहले आपके पीरियड मिस होने से एक हफ्ते पहले आपके शरीर में नजर आने वाले कुछ ऐसे खास शारीरिक बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनकी मदद से और इन लक्षणों को समझकर आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटेड सारी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव आता है, मेंटली काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और इसी तरह से काफ़ी सारे बदलाव शारीरिक रूप से आते हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद ही महसूस होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो बदलाव हैं इन्हें आपको बस ठीक से समझना है, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला शारीरिक बदलाव है कब्ज और ब्लॉटिंग होना। जी हाँ, जो महिलाएं अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं तो उन्हें एक खास बदलाव को अपनी बॉडी में समझना है कि पीरियड मिस होने से लगभग एक हफ्ते पहले अगर आपको खाने पचने से संबंधित कुछ समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि कब्ज, एसिडिटी, जब आप थोड़ा सा कुछ भी खा लेती हैं तो आपको अपने पेट में भारीपन फील होता है, ब्लॉटिंग हो रही है, जी मिचलाता रहता है, ऐसी कोई समस्या अगर आपको पीरियड में सोने से एक हफ्ते पहले महसूस हो रही है तो फ्रेंड्स, इन्हें प्रेगनेंसी के सबसे पहले शुरुआती लक्षण ही माने जाते हैं। लेकिन अगर सेम यही लक्षण आपको आपके पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद, जैसे काफ़ी सारी महिलाएं हैं उनके पीरियड्स तय हुए अभी 10 से 12 दिन ही हुए हैं और उन्हें पेट संबंधी ऐसी कई सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें एक कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। देखिए, प्रेग्नेंट होने का पता आप पीरियड मिस होने से पहले लगा सकते हैं या फिर पीरियड मिस होने के तुरंत बाद जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब कर सकते हैं। लेकिन पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप इसके बारे में नहीं पता कर सकते, क्योंकि जब तक महिला की बॉडी में ओवुलेशन नहीं होगा और इंटीमेट नहीं होते हैं तब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती। दूसरा शारीरिक बदलाव है सिर दर्द और सिर भारी होना। जी हाँ, काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उन्हें इंटीमेट होने के तुरंत बाद से ही एक अजीब सा सिर दर्द होने लग जाता है, यानी कि सिर दर्द नहीं होता लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि जैसे कि अंदर से उनकी नसों में कोई दिक्कत हो रही है, सिर भारी रहता है। चाय पीने के बाद, आराम करने के बाद या कुछ टेबलेट्स लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिलता है। तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको इंटीमेट होने के कुछ दिन बाद से ही सिर भारी लग रहा है, सिर में दर्द रहता है जो कि आराम करने से, नींद पूरी करने से या फिर चाय कॉफ़ी पीने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। अगर आपको ऐसा लगातार हो रहा है, ऐसे में आपको किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी, पेन किलर्स तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि पेन किलर्स जो होते हैं ना वो शुरुआती प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा खास बदलाव है ब्रेस्ट और निप्पल का रंग। जी हाँ, ये जो बदलाव है ना वो हर महिला को प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद ही महसूस होता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो हर महिला की बॉडी में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कई बार घट जाता है, कई बार प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है और प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो इस दौरान क्या है कि जब लेवल अप एंड डाउन होता है तो आपको अपने शरीर में कुछ खास नए बदलाव महसूस हो सकते हैं। इन्हीं में से एक बदलाव है आपकी ब्रेस्ट का भारी रहना, ब्रेस्ट को छूने पर दर्द होना, अंदर ब्रेस्ट में एक अजीब सा दर्द सा महसूस होना और आपके ब्रेस्ट के आसपास की जो एरिया होता है ना, यानी कि आपके ब्रेस्ट के निपल्स के आसपास का जो स्किन होती है उसका रंग प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद से ही गहरा काला हो जाता है या फिर जामुनी रंग का हो जाता है। अगर ये एक खास बदलाव आपको पीरियड में सोने से एक हफ्ते पहले अपनी बॉडी में नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। अब आपको अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है, इस दौरान आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है
और फ्रेंड्स, आपको अपना थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना है। थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहने की वजह ये नहीं है कि आपको उछल कूद करनी है, सीढ़ियाँ ज्यादा उतरना चढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैवी वर्कआउट नहीं करना है, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है जिससे कि आपके पेल्विक पर दबाव पड़ता है या फिर प्रेशर आता है। चौथा खास बदलाव है हल्की ब्लीडिंग होना। जी हाँ, ये जो ब्लीडिंग होती है ना, इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। जब एक महिला, यानी कि जब एक कपल इंटीमेट होते हैं, तो इंटीमेट होने के बाद जब उनके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चल रही होती है, तो इस दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है। यानी कि पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन हल्की फुल्की दाग धब्बे आने लग जाते हैं। अगर आपको पीरियड में सोने से पहले एक आध स्पॉटिंग फील हो रही है, तो इसे भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण माना जाता है। काफ़ी सारी महिलाओं को तो ये शुरुआती कुछ ही दिनों तक या कुछ हफ्ते तक फील होता है, वहीं कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने तक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती रहती है। वहीं कुछ महिलाओं को शुरुआती 3 महीने तक ऐसा होता है, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ना, वो प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल होता है। इससे आपके बच्चे पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं होता है। पांचवा खास बदलाव है पेट में मरोड़ उठना। जी हाँ, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो, तो इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कई बार कुछ महिलाओं को पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ टाइम के बाद मरोड़ सी उठती रहती है। ऐसा लगता है कि उन्हें लूज मोशंस हो गए हैं, बार बार उन्हें फैस होने जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें बार बार ऐसे पेट में दर्द सा होता रहता है। अगर पीरियड मिस होने से एक हफ्ते पहले आपको ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स, इसे भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं को पेल्विक क्योंकि प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद से महिलाओं को उनके जो पेल्विक एरिया होता है, उसमें भारीपन और दर्द महसूस होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो पांच खास बदलाव जो कि आपको पीरियड में सोने से पहले अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं, और इन्हें अपनी बॉडी में समझकर आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन आपको अपने मन में ऐसा कोई डाउट नहीं रखना है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है या नहीं। इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या है कि पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है, जिससे कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। जब आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, आपके जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें 2 लाइन आ जाती हैं, आप गुड न्यूज़ मिल गई है। लेकिन इसके बाद भी आपको एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए, जिससे कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करने के बाद या कुछ टेस्ट करने के बाद पता चल जाए कि आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल है, आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल का जो हस्बैंड वाइफ यानी महिला और पुरुष का जो खान पान है, वो काफ़ी बिगड़ गया है। बाहर की चीज़ें खाने से या फिर सात्विक भोजन ना लेने की वजह से क्या होता है कि महिला और पुरुष के अंदर हार्मोन्स में उतार चढ़ाव बड़ी ही तेज़ी से आ जाता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है कि उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट जो है, उनका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आने के कुछ दिन बाद से उनकी जो प्रेगनेंसी है उसमें इश्यूज होने लग जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल बनी रहे, आपका बच्चा हेल्दी रहे, इसके लिए आपको प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और इस दौरान आपको पता करना है कि आपको कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी। क्योंकि जिस तरह से हर महिला की बॉडी अलग होती है, उसकी प्रेगनेंसी अलग होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान हेल्थ इश्यूज भी अलग अलग होती हैं। आपकी बॉडी में आपको उस टाइम पर क्या जरूरी होता है, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, क्या क्या चीज़ें आपके लिए उस टाइम पर इम्पॉर्टेंट है, ये आपके डॉक्टर ही चेकअप करने के बाद बता सकते हैं। तो आपको अपने एक डेली रूटीन के बारे में भी परामर्श करना चाहिए कि आपको पहले 3 महीने तक क्या चीज़ लेनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है, किन कामों को आपको करना है, किन कामों को करने से बचना है, जिससे कि पहले 3 महीने में जो खतरा होता है ना मिसकैरेज होने का, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगा। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।